नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हिंदू धर्म में अनेकों त्यौहार आपको मनाने को मिलते हैं, तो ऐसे में चल रहा है पावन त्यौहार दीपावली का। जी हाँ दोस्तों, दीपावली का पावन त्यौहार 25 तारीख धनतेरस से ही शुरू हो जाएगा और यह 27 तारीख तक रहेगा, यानी कि बड़ी दीपावली तक, यानी कि अमावस्या तक। यह धनतेरस त्रयोदशी तिथि के दिन ही मनाया जाता है, यानी कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन। धनतेरस यानी 13 गुना अपने धन को आप बढ़ा सकते हैं, और वो भी कुछ खास वस्तुएं खरीद के। आपने देखा ही होगा कि धनतेरस के दिन आप बहुत सी वस्तुएं घर लेकर आते हैं, उसमें से ही कुछ खास चीजें ऐसी हैं जिनमें से अगर एक वस्तु भी आप घर लेकर आते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में हमेशा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। यह वस्तुएं धनतेरस के दिन अवश्य ही लानी चाहिए। इनकी संख्या भी हम आपको बता देते हैं। यह 5 वस्तुएं बहुत ही खास मानी गई हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में इन 5 वस्तुओं को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। माता लक्ष्मी इन्हीं में वास करती हैं, और अगर ये घर के अंदर आ जाते हैं तो अवश्य ही माँ लक्ष्मी सदैव उस घर में स्थिर रहती हैं। जाने अनजाने में कई सारी भूल, कई सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इन गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो अवश्य ही इस बार धनतेरस के दिन इन 5 चीजों में से केवल एक चीज भी आप अपने घर ले आते हैं तो आपको संपूर्ण दीपावली, संपूर्ण वर्ष भर का सभी अच्छा फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी है वह 5 खास चीजें। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 25 तारीख को पड़ने वाला धनतेरस बहुत ही शुभ माना गया है, तो ऐसे में सबसे पहली वस्तु है जो कि धनतेरस के दिन ही आप घर में ला सकते हैं, वो है माता लक्ष्मी का श्री यंत्र। जी हाँ दोस्तों, श्री मतलब लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का ही एक नाम श्री बोला जाता है, और उनका यंत्र बहुत ही विशेष माना गया है। कहते हैं धनतेरस के दिन अगर श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित कर उसकी पूजा की जाए तो अवश्य ही माता लक्ष्मी को अपने प्रेम और भक्ति से आप बांध सकते हैं, और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव स्थिर रहेंगी। और वही दोस्तों, दूसरी चीज है मोरपंख, जो कि आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के मुकुट पे विद्यमान है और शोभायमान है। भगवान कृष्ण ने जब इसे मस्तक पर सजाया है, और भगवान कार्तिकेय का तो यह वाहन है, इसलिए मोरपंख को इतना महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए अगर आप इस दिन मोरपंख भी अपने घर में लेके आते हैं तो इससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी स्थिर अवस्था में हो जाती है। वहीं दोस्तों, तीसरी चीज है माता लक्ष्मी की पीली कौड़ियां, यानी कि अगर आप अपने घर में धनतेरस वाले दिन पीली कौड़ियां लेकर आते हैं और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर माता को अर्पित करते हैं तो अवश्य माता आप पे प्रसन्न होकर सदैव आपके घर में ही वास करेंगी, और सदैव आपको कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, चौथी चीज है माता लक्ष्मी को अति प्रिय कमल के दाने, यानी कि कमल का पुष्प जिसपे माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान है, और उसी कमल के दाने जिनको कमल गट्टे के दाने कहा जाता है, यह विशेष सामग्री माता को अति प्रिय है। माता लक्ष्मी का वास कमल गट्टे के दानों में माना जाता है, इसलिए बुरी से बुरी नजर से अगर आपको बचना है तो इन कमल गट्टों की दानों को आप धनतेरस के दिन ही माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे सदैव माता लक्ष्मी आपके घर से दरिद्रता को कोसों दूर कर देगी और सदैव उस घर में वास करेगी। दोस्तों, अंतिम और पांचवी चीज है किसी भी धातु का या किसी भी सोना या चांदी का बना हुआ सिक्का। जी हाँ दोस्तों, यह सिक्का इतना शुभ होता है, इसमें भगवान श्री गणेश सहित माता लक्ष्मी विद्यमान होती हैं। यह सिक्का आपने हमेशा दीपावली पर्व में या किसी शुभ अवसर पे अवश्य देखा होगा। यह सिक्का अगर आप अपने घर के मंदिर में उस दिन माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, उसके बाद अपनी तिजोरी या जहां आपका धन कोष है वहां रखते हैं, तो अवश्य ही वह धन कोष हमेशा वृद्धि करता रहेगा, यानी उसमें धन की बढ़ोतरी होती रहेगी और कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। आज के इस नए दौर में सभी को
धन की आवश्यकता है, तो ऐसे में इस मौके को आप बिल्कुल ना चूकिए। इन पांच चीजों में से केवल मात्र एक भी चीज आप अगर लाते हैं अपने घर में, तो इस बार माता लक्ष्मी साक्षात आपकी भक्ति और प्रेम से बंधकर आपके घर में वास करेंगी। तो दोस्तों, अगर ये खास जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। और अगर आपका कोई प्रश्न भी इससे संबंधित है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। धन्यवाद।